रविंद्र जडेजा के एक ओवर में 37 रन जड़ने के पीछे था धोनी का हाथ, जानिए कैसे। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स CSK का अभी तक का सफर काफी शानदार रहा है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पहले मैच में शर्मनाक हार के बाद महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली इस टीम ने लगातार 4 जीत दर्ज की हैं। रविवार को CSK ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर RCB के खिलाफ 69 रनों की बड़ी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही CSK पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच गया है। रविंद्र जडेजा से जब पूछा गया कि क्रिकेट में इससे बेहतर कोई दिन रहा है उनका, तो उन्होंने जवाब में कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता है। मैंने इसका खूब मजा लिया। जब आप टीम की जीत में योगदान देते हैं तो इसके बहुत मायने होते हैं। मैंने अपनी फिटनेस स्किल्स पर बहुत मेहनत की है और भाग्य की बात है इसका रिजल्ट आज देखने को भी मिला। एक ऑलराउंडर के लिए चीजें आसान नहीं होती हैं। मैं कभी एक ही दिन में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। एक दिन मैं फिटनेस पर काम करता हूँ, एक दिन स्किल्स पर, और इस तरह से मैं अपना वर्कलोड मैनेज करता हूँ। उन्होंने आगे कहा, मैं आखिरी ओवर में बड़े शॉट लगाने के बारे में सोच रहा था। माही भाई ने मुझसे कहा कि हर्षल तुमका आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंदें फेंकेगा और मैं उसके लिए तैयार था। भाग्य की बात है कि गेंद बल्ले से अच्छे से कनेक्ट हुई और हम 191 रनों तक पहुंचने में कामयाब हुए। वह हमारे लिए काफी बड़ा ओवर था। CSK ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। 20 ओवर में 4 विकेट पर 191 रन बनाने के बाद CSK ने RCB को 20 ओवर में 9 विकेट पर 122 रनों पर ही रोक दिया।